and welcome back to my channel. It's your girl Khushi here. आज हम मस्त formal formal डाल के बैठे हैं, जैसा कि आपने देख लिया होगा टाइटल से. आज हम करने वाले हैं ऑफिस लुक, और ये काफी बजट फ्रेंडली लुक होने वाला है. There are steps which are very minimum and subtle, जो एकदम ऑफिस फ्रेंडली होने वाले हैं. तो ये एकदम करेक्ट वीडियो है अगर आप अपना नया ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं, नई जगह जाने वाले हैं, इंटर्नशिप चालू करने वाले हैं. दिस इज द परफेक्ट वीडियो, यू हैव कम टू द राइट प्लेस. और लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. फर्स्ट स्टेप हम यूज करेंगे बायो ऑयल, जो मैंने ऑलरेडी अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है थोड़ा सा. जस्ट टेक टू ड्रॉप्स एंड दिस इज गुड टू गो. तो मैंने ऑलरेडी अपना स्किन केयर किया है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट अगेन, बट दिस इज माय फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज प्राइमिंग योर फेस. हम बहुत हैवी मेकअप नहीं करने वाले हैं, बट स्टिल प्राइमिंग योर फेस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके पोर्स होते हैं. आई यू डोंट वॉन्ट कि तुम्हारे पोर्स विजिबल हो जाए. तो मैं ऐसा प्राइमर नहीं यूज़ करूँगी जो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो, बट आई वॉन्ट समथिंग विच इज़ गुड एंड यू नो ब्लरिंग वाला चीज़. तो मैंने ये परचेज किया लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट. आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ऑन माई फेस बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि हम ग्लैम मेकअप नहीं कर रहे हैं. जस्ट थोड़ा सा अमाउंट अपने हाथ में इसको वार्म अप कर लूँगी थोड़ा थोड़ा, और सिर्फ अपने नोज एरिया पे लगाऊंगी. थोड़ा सा फोरहेड पे टू हाइड माई लाइन्स. बुढ़ी हो रही हूँ मैं. नाउ दैट आई हैव माई प्राइमर ऑन माई फेस, आई एम गोना गो अहेड एंड यूज अ फाउंडेशन. मैं बहुत हैवी कवरेज फाउंडेशन नहीं यूज़ करूँगी. आई एम गोना यूज दिस मेबलिन फिट मी फाउंडेशन. दिस इज इन द शेड 220. इसके अंदर SPF भी है 22. ये SPF के भरोसे मत रहना, अपना सनस्क्रीन लगा के रहना. तो इसको भी मैं बहुत कम अमाउंट में यूज़ करूँगी, और अपने हाथों से ही ब्लेंड करूँगी. आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी ब्यूटी ब्लेंडर, एनी ब्रश, एनी थिंग. सुबह सुबह तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी कि तुम बैठो, ब्रश लो और ये सब करो. वेरी लिटिल अमाउंट आई एम गोना डॉट इट. और ये क्योंकि बहुत पतला है, आप इसको बहुत ईजीली अपने हाथ से ही ब्लेंड कर लोगे. आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ से कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया. आपको ब्रश, ब्यूटी ब्लेंडर, किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है. आप अपने हाथ से ये ऐसे करके, बट सारे मोशन पैटिंग वाले रखना. डोंट बी लाइक ऐसा एकदम रगड़ दिया अपने चेहरे पर, ऐसे रगड़ना मत. आराम से पैट इट ऑन योर स्किन. अपने स्किन को प्यार देना भी सीखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आफ्टर पैटिंग इट, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे फाउंडेशन लग चुका है. आई एम नॉट गोना यूज अ कंसीलर बिकॉज ऑफिस जा रही हूँ. आई वॉन्ट माई नेचुरल स्किन एंड नेचुरल थिंग टू पीक थ्रू. इसके लिए आई एम नॉट गोना यूज दैट. आई एम गोना सेट माई फेस. आई एम गोना सेट माई फेस विथ दिस लूज पाउडर फ्रॉम शुगर, एंड दिस इज इन द शेड 15 कैपेचिनो, एंड दिस इज अ वेरी गुड सेटिंग पाउडर. लेट मी टेल यू, दिस इज माई फेवरेट सेटिंग पाउडर, स्पेशली एवरी डे के लिए. अगर आपको कॉम्पैक्ट में नहीं जाना है, लूज पाउडर में जाना है, तो ये वाले में जाओ. दिस ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी लिटिल कवरेज, तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है. आई एम गोना यूज दिस ओनली. एज यू कैन सी आई एम ऑल्सो डन सेटिंग माई पाउडर. अभी हम अपना जो बेस है वो सेट करेंगे एंड फिर आइस के पास जाएंगे. आई एम गोना सेट माई मेकअप विद दिस शुगर मेकअप फिक्स. अगर बहुत टाइम बाद यूज़ कर रहे हो तो फर्स्ट स्प्रे हवा में एंड देन सेकेंड स्प्रे अपने फेस पे. लेट दिस ड्राई. नाउ दैट माई मेकअप इज ऑल सेट एंड माई फेस इज लुकिंग नाइस एंड क्लियर्ड, पूरी तरीके से क्लियर्ड नहीं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. आई एम गोना डू माई ब्राउज वेरी लाइटली. सो आई एम गोना यूज दिस फ्रॉम स्विस ब्यूटी ब्राउ डिफाइनर. This is in the shade number 2, Cocoa Brown. I'm done with my brows as well. I'm gonna go ahead and use an eyeliner because वही हमारे लुक का मेन पार्ट है. सो आई एम गोना यूज दिस फ्रॉम मेबलिन न्यूयॉर्क क्लॉसिल बोल्ड लाइनर. ये स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ नहीं है, और मैं वाटर प्रूफ लाइनर एवरी डे में नहीं यूज़ करती, बिकॉज मैं अपना मेकअप निकालते वक्त अपना आँख रगड़ना नहीं चाहती. मेरे लैशेस भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आई लाइनर पर जाती हूँ जो वाटर प्रूफ ना हो, वरना मुझे थोड़े ट्रबल हो जाएंगे. सो नाउ यू कैन सी आई एम ऑल्सो डन विथ माई आई लाइनर.
I'm gonna go ahead and use a nude lipstick. So I have two favorite nude lipstick. I mix it up. मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ. This is from Lakme. इसको मैं इतना use करती हूँ और ये मेरे everyday bag में रहता है कि इसके literally ये जो वो रहता है ना glossy finish वो भी निकल गया है. So this is in the shade caramel cut. I already know नीचे दिख भी नहीं रहा है वो. ये भी खराब हो चुका है because I am a huge fan of this. And the another one is from Miscle. This is in the shade 57. ये almost empty होने पे है तो मैं इसको अभी है ना ऐसे स्क्रेप करके ऐसे साइड का यूज कर रही हूँ क्योंकि इसका जो नया मतलब इसका जो शेड है वो स्टॉक में नहीं आया है इसलिए. बट फॉर टूडे आई एम गोना यूज दिस कैरेमल कट Lakme. और वैसे आप लोग को अगर नहीं पता हो दिस इज माय फोर्थ वाटर आई थिंक. आई एम डन विथ माय लिपस्टिक. यू कैन सी दिस इज अ वेरी प्रिटी न्यूड शेड परफेक्ट फॉर ऑफिस. बट रीसेंट में मेरा एक नया ऑब्सेशन है विच इज लिप ग्लॉस. दिस इज फ्रॉम एल्फ. तो जब मैं लिपस्टिक लगा के इसको लगाती हूँ तो मैं इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर देती हूँ. बट अगर मैं विदाउट लिपस्टिक लगाती हूँ तो मैं दम भर के थोक के लगाती हूँ. I'm gonna go wear a nice earring and I'm gonna come back here. As you can see, this is my final look. It's very nice, dewy, glossy. I really like it. So that is it. If you guys like this video, let me know in the comment section below. मैंने तुम्हारे बहुत पैसे बचाए. तुम्हें brushes नहीं खरीदने पड़ेंगे. तुम्हें blender नहीं खरीदना पड़ेगा. काफी सारे product नहीं खरीदने पड़ेंगे. And still you look very pretty in your office. You're gonna nail your look every day. And this is very easy, simple. It took me literally like what? 10 to 15 minutes to do this. So it is a very good look. I really like it and love it. If you like it, please let me know in the comment section below. Subscribe to my channel. See you next video. Till then, bye. Band kar de. No, it is chalu. Karu.